आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्यवाही, 5 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 ने बीती रात चैम्बर सिवड़ी रोड से एक नाइजेरियन ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। नाइजेरियन पैडलर के पास से 5 किलो MD और 200 ग्राम कोकीन ड्रग्स बरामद किया। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 करोड़ 40 लाख रुपये है। नाइजेरियन ड्रग पैडलर को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने 25 नवंबर तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेज दिया है। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मुंबई पुलिस जो ड्रग्स के खिलाफ, मुंबई पुलिस ने आज तक इस साल में ये बहुत बड़ी कार्रवाई आज कल रात को हुई है। इसमें हमारी क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 की जो टीम है, उन्होंने कल रात एक जो गोपनीय इन्फॉर्मेशन आई थी उसके ऊपर से आनिक बस आगार जो है चेंबूर शिवड़ी रोड पे, उस एरिया में एक नाइजेरियन जो सिटीजन है उसको पकड़ा है। अधिक पूछताछ करने के बाद उस नाइजेरियन सिटीजन से हमको लगभग 5 किलो मेफेड्रॉन यानी कि MD जो जिसको पॉपुलरली जाना जाता है, वो ड्रग हमको मिला है। मार्केट रेट के हिसाब से मार्केट में उसकी कीमत लगभग 5 करोड़ है और उसके पास हमको 200 ग्राम कोकेन भी मिला है जिसकी कीमत लगभग 40 लाख है। ऐसा टोटल इस नाइजेरियन सिटीजन के पास 5.5 करोड़ के लगभग कोकेन और MD ड्रग्स मिला है। सर उसकी कस्टडी मिल गई, कितने दिन की कस्टडी मिली उसकी? आज ही हमने उसको कोर्ट में हाजिर किया है, उसकी 25 नवंबर तक कस्टडी मिली है। सर उसका मोडस ऑपरेंडी क्या होता था? उसकी एक यूनिक मोडस ऑपरेंडी थी जो हमने अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया है, इसमें ऐसा हमको पता चला है कि ये जो नाइजेरियन सिटीजन है जो यहाँ पे मुंबई में रहता था, उसने